अब हम बेसिकली सीखने जा रहे हैं कि इंडेक्स नंबर बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, अब मेथड्स हम देख रहे हैं इंडेक्स नंबर्स के। आइए जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। ब्रॉडली अगर मैं बोलूं तो दो तरह के मेथड्स हैं, एक सिंपल और एक वेटेड। सिंपल में भी और वेटेड में भी आगे दो दो बाइफर्केशन है, एग्रीगेटिव रिलेटिव, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। यहां पर हमें चार तरह के एग्रीगेटिव पढ़ने होंगे वेटेड में, लास्ट पेज, पास्ट चेस्ट, मार्शल, एजवर्थ, फिशर्स, और कोई हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ यही चार हमारे सिलेबस में है। एक एक करके मैं सारे इंडेक्स नंबर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बहुत ही आसान है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी इंडेक्स नंबर समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव की। देखिए सिंपल एग्रीगेटिव बहुत आसान है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सपोज आपके पास 2001, 2002, 2003, आपके पास तीन कमोडिटीज हैं या चार कमोडिटीज हैं, उनके प्राइजेस गिवन है 8, 10, 6, 4। फिर इसी के आपके 2002 में प्राइजेस गिवन है 3, 7, 9, 8। फिर 2003 में गिवन है 8, 7, 9, 12। ठीक है जी। अब इसमें आपको बोला गया कि आप सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स बनाइए। क्या बनाना है आपको? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है जी, आपको बोला गया। आइए देखिए सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा पी वन पॉन सिग्मा पी जीरो इंटू 100। क्या है ये सिग्मा पी वन और सिग्मा पी जीरो? सबसे पहले आप 2001 और 2002 को देखिए, इनकी प्राइजेस गिवन है कमोडिटीज के, आप इनको सम कर दीजिए। भूल जाइए अभी 2003 को, 18, 18 और 6, 24, 4, 28, 7, 3, 10, 8, 18 और 9, 27। अब 2001 और 2000 में आप खुद बताइए जीरो कौन सा होगा? कौन सा होगा जीरो? सर जीरो होगा अर्लीएस्ट ईयर, तो अर्लीएस्ट ईयर 2001, ये जीरो का काम करेगा और ये किसका काम करेगा? आपका वन का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये आ गया आपका सिग्मा पी जीरो, जबकि ये आ गया आपका सिग्मा पी वन। ठीक है जी, ये आ गया सिग्मा पी जीरो, ये सिग्मा पी वन। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज 27/28 × 100, आपके पास आंसर आ जाएगा 27/28 × 100 96.42। ठीक है जी, ये आपने पहला पार्ट कर दिया इसका। अब सेम में आपको 2003 का भी निकालना है, 8 or 7, 15 or 9, 24 or 12, 36। देखिए कंपैरिजन हमेशा अर्लीएस्ट ईयर से ही होता है। अर्लीएस्ट ईयर क्या है आपका? 2001। तो यहां पर अगर आप ये निकालना चाहें सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो इंटू 100, अब आपके लिए जो पी वन है, जो आपके लिए कंपैरिजन वाला ईयर है, वो ये हो चुका। इसको आप क्या बोलेंगे? सिग्मा पी वन। जीरो आपका सेम रहेगा क्या सर? अगर 2002 और 3 होता तो इसको जीरो ले सकते थे? हाँ जी ले सकते थे, बट अभी आपका अर्लीएस्ट ईयर 2001 है। तो नाउ 36/28 × 100, ये आपके पास आ गया 36/28 × 100 128.57। ठीक है जी, तो बेसिकली सिंपल एग्रीगेटिव बड़ा ही आसान है। जो भी प्राइजेस हैं सम कर लीजिए, जो अर्लीएस्ट ईयर है वो बेस ईयर बन गया, और फिर जिस ईयर का निकालना है वो अकॉर्डिंगली आपका वन बनता चला जाएगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, विच इज योर रिलेटिव मेथड। सिंपल रिलेटिव मेथड की तरफ आते हैं कि सिंपल रिलेटिव मेथड एग्जैक्टली है क्या, जरा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल आसान मेथड, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम
सिंपल रिलेटिव मेथड की, कैसे क्या चीजें उसके अंदर मूव ऑन करती हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए मेरे पास। हाँ जी, मैं बता रहा था आपको सिंपल रिलेटिव में चीजें किस तरीके से आती हैं। नाउ सपोज आपके पास एक डेटा है 2001, 2002, 2003, तीन कमोडिटीज ले लेता हूं, वो 8, 10, 12, 10, इधर आपका 16, 12, 15, 15, 24, ठीक है जी। ये मैंने आपको एक डेटा दिया और इसे अब हमें सॉल्व करना है सिंपल रिलेटिव से। अभी हमने यही चीज एग्रीगेटिव से देखी थी, आपको एग्जाम में स्पेसिफाई होता है कौन सा मेथड करना है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइस रिलेटिव निकालने हैं। प्राइस रिलेटिव सबसे पहले आपको निकालने आने चाहिए। सर प्राइस रिलेटिव क्या होता है मैं आपको बताता हूं। प्राइस रिलेटिव बेसिकली आपका निकलता है P1 by P0 into 100। इसको हम बोलते हैं प्राइस रिलेटिव और ये इंडिविजुअली सबका निकलता है। मतलब देखिए जरा, और इसमें दूसरी बात, जो बेस ईयर होता है आपका उसका प्राइस रिलेटिव आप हमेशा 100 लेते हैं, पहली बात। और ये दूसरी बात, जो बेस ईयर है उसका प्राइस रिलेटिव आप हमेशा क्या लेते हैं, 100। अब मैं इस टेबल से समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन 2001, 2, 3, A, B, C। हाँ जी, मेरा ये बेस ईयर है तो इसके प्राइस रिलेटिव तो मैं हमेशा क्या लूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, 100। ये मेरे लिए बेस ईयर है ना, 0। अर्लीस्ट ईयर, अब 2002, मुझे इनके प्राइस रिलेटिव निकालने हैं। कैसे निकलेंगे, देखिए 2002 में ये 1 का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, 0 का। ये 1 का काम कर रहा है और ये 0 का, तो 10 by 8 into 100। सेम वे 12 by 10 into 100। देखिए ये 1 का काम कर रहा है, ये 0 का, तो 10 by 8, 12 by 10, 15 by 12 into 100। फिर 2003 में, 2003 को हम कंपेयर किससे करते हैं, 2002 से या 1 से? अभी हमने पत्ते देखा था किससे करेंगे, 1 से ही। तो 16 by 8, फिर 15 by 10, फिर 24 by 12। आप ये क्या निकाल रहे हैं, प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है जी। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है 8, 10, 125, 120। ये आपका आता है 125, ये आपका आता है 200, 150, 200, ठीक है जी। यही सारे नंबर्स आपके पास आते हैं। अब ये आपके पास प्राइस रिलेटिव्स आ गए, ठीक है जी। अब आपको करना है प्राइस रिलेटिव का सम। आइए 125, 250 और 120, 370, 200, 400, 550, ठीक है जी। और ये जो आपके पास आए, इसका सम कितना आया, 300। ये जो आपके पास आया प्राइस रिलेटिव, आपने सबसे पहले हर ईयर का निकाल लिया। प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद आपको क्या करना है, प्राइस रिलेटिव में होपफुली अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। P1 by P0 into 100, 10/8, 12/10, 15/12, ऐसी इसका। चलिए अब यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल रिलेटिव मेथड के अंदर जो भी आपके प्राइस रिलेटिव है आप उसकी एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज निकाल दीजिए मतलब, ध्यान से देखिए, देखिए एक तरह से जो आपने निकाला ये 370 या 550, ये क्या है, आपने सब जगह P1 P0 किया था, उसका क्या निकाल दिया, सम।
जो भी आपने पी वन बाय पी जीरो निकाला है उसका सम निकाला है, उसको आपको डिवाइड करना है एन से। मतलब जैसे कि 2001 का 300 बटा 3 कितना आ जाएगा 100, 2002 का 370 बटा 3 123, फिर 2003 का 550 बटा 3 कितना आ जाएगा आपका 183.3। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मूव ऑन करती हैं। आपने दोनों मेथड समझ लिए हैं, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव में हमने क्या किया, सीधा सीधा सम किया और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में पुट किए और आंसर निकाले। सिंपल रिलेटिव में सबसे पहले मुझे हर किसी का प्राइस रिलेटिव निकालना था। उसका फॉर्मूला होता है पी वन बाई पी जीरो इंटू 100। 2002 और 2001 को देख रहे हैं अगर, तो ये P0 का काम कर रहा है, P1 का 10/8, 12/10, 15/12 इंटू 100। 2001, 2003 को देखते हैं तो 16/8, 15/10, 24/12 सब आपने निकाल लिए प्राइस रिलेटिव। फिर उनकी आपको क्या निकालनी है, एवरेज। तो ये थे आपके सिंपल वाले क्वेश्चंस, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव। अब हम मूव ऑन करते हैं वेटेड के ऊपर। आइए,